तो आकांक्षा केस में एक बार फिर संदीप सिंह को लेकर मचा है बड़ा बवाल। आ गया है नया ट्विस्ट, उठ रहे हैं नए सवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वही संदीप सिंह जिसके साथ आकांक्षा आखिरी बार नजर आई थी, वही संदीप सिंह जिसे लेकर पहले घंटे पहले दिन से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उसी संदीप सिंह को लेकर उस वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसके बाद तो बवाल मच गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उस रात सीढ़ियों पर कमरे के बाहर आकांक्षा और संदीप सिंह के बीच बहस हुई थी, कहा सुनी हुई थी, जिसे लेकर अब आकांक्षा मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो आखिर क्या हुई थी संदीप सिंह और आकांक्षा के बीच वो बहस, क्यों इस बहस के बाद कमरे में घुस गया था संदीप सिंह, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों संदीप सिंह का कमरे से होटल से बाहर आते हुए अब तक सामने नहीं आया वीडियो। आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में अरेस्ट संदीप सिंह जरूर लिखें, और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो आकांक्षा मामले में शुरू से जो तीन शख्स सबसे बड़े संदिग्ध नजर आ रहे हैं वो हैं ट्रिपल एस की तिकड़ी यानी कि समर सिंह, संजय सिंह और संदीप सिंह। हालांकि पहले समर सिंह की फरारी के बाद गिरफ्तारी हो गई, और फिर संजय सिंह तो समर सिंह का हाल देखकर खुद ही गिरफ्तार होने वाराणसी पहुंच गया, और दोनों से ही पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है, और दोनों अब तक पुलिस की न्यायिक हिरासत में हैं। मगर इस ट्रिपल एस की तिकड़ी से तीसरे एस यानी संदीप सिंह का अब तक कोई अता पता नहीं, और न ही पुलिस ने संदीप सिंह को लेकर अब तक कोई भी बयान जारी किया है। हालांकि शुरुआती खबरों में ये बताया गया था कि संदीप सिंह से पूछताछ हो गई है, और उसका कहना है कि वो सिर्फ आकांक्षा को होटल तक छोड़ने आया था, क्योंकि आकांक्षा ड्रंक थी, खुद चल पाने में असमर्थ थी, तो इसीलिए संदीप सिंह ने उसे सहारा देते हुए कमरे तक पहुंचाया था, और होटल ने भी कुछ ऐसा ही बयान जारी किया था। मगर संदीप सिंह और होटल का झूठ तब पकड़ा गया जब संदीप सिंह और आकांक्षा का वो वीडियो सामने आ गया जिसमें आकांक्षा खुद अपने पूरे होशो आवास में चल रही है, ना तो वो नशे में नजर आ रही है और ना ही संदीप सिंह उसे सहारा देते नजर आ रहा है। मगर इतना बड़ा झूठ पकड़े जाने पर भी पुलिस ने इतनी आसानी से संदीप सिंह को कैसे छोड़ दिया? और तब आकांक्षा की मां मधु दुबे के साथ साथ फैंस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर संदीप सिंह की वापसी का सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी नहीं किया गया। अब इन सवालों के जवाब अब तक मिले ही नहीं थे, तो वहीं अब उस वीडियो को लेकर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ, दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उस रात संदीप सिंह और आकांक्षा आपस में कुछ बात करते हुए होटल के कमरे में जा रहे थे, और इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, संदीप सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिससे कि आकांक्षा बिफर गई, नाराज हो गई। जी हाँ, इस वीडियो को देखने वालों ने तब शायद गौर नहीं किया होगा, मगर अब अगर आप दोबारा इस वीडियो को गौर से देखेंगे दोस्तों, तो इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वाकई आकांक्षा जब अपने बैग से कुछ ढूंढ रही है तब वो गुस्से में नजर आ रही है। संदीप सिंह भी जब बैग में झांकने लगता है तो आकांक्षा अलग हो जाती है। आकांक्षा के चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे हैं कि वो किसी बात को लेकर नाराज है, गुस्से में है। तो वहीं संदीप सिंह लगातार अपने फोन में लगा हुआ है, जैसे कि किसी को कॉल या मैसेज कर रहा हो। तो अब इस बात को लेकर बवाल मच गया है कि आखिर आकांक्षा उस वक्त किस बात को लेकर गुस्सा थी, क्या संदीप सिंह के साथ उसकी कुछ कहा सुनी हुई थी, क्योंकि आकांक्षा की बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन से कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जो कि वीडियो में साफ दिख भी रहा है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि संदीप सिंह इतनी देर रात आकांक्षा के कमरे में क्यों गया और 17 मिनट तक कमरे में क्यों रुका। हालांकि ये भी झूठी नजर आ रहा है कि संदीप सिंह सिर्फ 17 मिनट ही कमरे में रुका था, क्योंकि अब तक इतने सवाल उठने के बाद भी होटल ने संदीप का जाते हुए सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किया। तो चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि संदीप सिंह कमरे में सिर्फ 17 मिनट के लिए ही रुका था, तब भी सवाल तो बनता है कि उन 17 मिनट में कमरे में क्या हुआ, आखिर क्यों वो कमरे में घुसा। वहीं जो सवाल शुरुआत से उठाए जा रहे हैं वो भी अब तक ज्यों के त्यों बने हुए हैं कि आखिर संदीप सिंह ने आकांक्षा की गाड़ी बीच रास्ते में क्यों बदलवाई, और वो कमरे के बाहर खड़े खड़े जब आकांक्षा बैग में कुछ ढूंढ रही थी किसे कॉल कर रहा था। और अब जो नया खुलासा हुआ है और इससे जुड़ा जो नया सवाल आकर खड़ा हो गया है कि क्या उस वक्त संदीप सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच कोई बहस हुई थी, किसी बात को लेकर कोई कहा सुनी हुई थी। इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो सिर्फ विजुअल्स नजर आ रहे हैं, उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही। तो ऐसे में इन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ संदीप सिंह ही दे सकता है, जिसे पुलिस ने बड़ी आसानी से जनरल पूछताछ का छोड़ दिया। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या आपको भी ये वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगा कि संदीप सिंह और आकांक्षा के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि आकांक्षा नाराज नजर आ रही है, गुस्से में नजर आ रही है, और शायद इसी के बाद संदीप सिंह पीछे पीछे आकांक्षा के कमरे में घुस गया और फिर कमरे के अंदर वो अंधेर हो गया। आपको नहीं लगता कि इस पूरी साजिश में समर सिंह और संजय सिंह के साथ साथ संदीप सिंह भी शामिल है, जिसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करने की सख्त जरूरत है। कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आकांक्षा का पूरा केस ट्रिपल एस की तिकड़ी यानी कि समर सिंह, संजय सिंह और संदीप सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, जिसमें से समर सिंह और संजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन संदीप सिंह अब तक खुली हवा में घूम रहा है। जी हाँ, वही संदीप सिंह जिसे उस रात होटल में आकांक्षा के साथ देखा गया था, या कहें कि वो शख्स जिसके साथ आकांक्षा को आखिरी बार देखा गया था। सारनाथ पुलिस उससे दो बार पूछताछ कर चुकी है, पर दोनों ही बार वो आसानी से ये कहते हुए बच गया है कि वो आकांक्षा को रात को होटल के कमरे में छोड़कर निकल गया था। उसके बाद क्या हुआ वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये अलग बात है कि हम सब ने उसके होटल में रूम में जाते हुए सीसीटीवी फुटेज जरूर देखा, मगर सवाल तब उठने लगे जब मधु दुबे यानी कि आकांक्षा की मां ने सवाल उठाया कि होटल संदीप के आने का सीसीटीवी वीडियो तो दिखा रहा है, मगर जाने का सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया गया? संदीप के जाने का सीसीटीवी होटल ने क्यों जारी नहीं किया? और आकांक्षा की मां का सपोर्ट करते हुए अब फैंस भी लगातार संदीप के जाने वाले सीसीटीवी फुटेज की मांग उठा रहे हैं। वहीं इस बीच पुलिस को संदीप सिंह को लेकर ऐसा सबूत हाथ लग गया है जहां कहीं न कहीं इस बात को पुख्ता जोर मिलता है कि संदीप उस रात कमरे से बाहर गया ही नहीं। जी हां, होटल वालों की संदीप के रुकने वाले 17 मिनट की थ्योरी भी यहां झूठी साबित होती नजर आ रही है। तो क्या है वो सबूत जिसके चलते बहुत जल्द अब ट्रिपल एस की तिकड़ी का तीसरा एस संदीप सिंह भी समर और संजय सिंह को जेल में ज्वाइन करने वाला है? कैसे लगा पुलिस के हाथ वो सबूत और किस प्लानिंग के साथ अब पुलिस संदीप सिंह की गर्दन तक पहुंचेगी? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब कुछ। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने। तो समर सिंह और संदीप सिंह अपनी असली जगह पहुंच चुके हैं और पुलिस एक एक कर उनसे कई सच उगलवा रही है, कई राज उगलवा रही है, कई नाम उगलवा रही है, जिनमें से अनुराधा सिंह के बाद अब जो अगला नाम दोनों ने इस पूरे कांड में उगला है वो है संदीप सिंह का। जी हाँ, ट्रिपल एस की तिकड़ी वैसे तो साथी थी दोस्तों, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब एक दूसरे के पाप खोलती नजर आ रही है। वहीं संदीप सिंह को लेकर आकांक्षा दुबे की मां और फैंस भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में संदीप सिंह की क्या भूमिका है। उस रात पार्टी के बाद जब आकांक्षा, अरुण और श्रद्धा के साथ कार में अपने होटल लौट रही थी तो संदीप ने क्यों बीच में कार रुकवाकर आकांक्षा को दूसरी कार में शिफ्ट किया? इसके पीछे उसका क्या मकसद था? क्यों इतनी रात को वो आकांक्षा के कमरे में गया और क्यों वहां 17 मिनट रुका? हालांकि ये होटल वालों का कहना है, जबकि इस बात पर यकीन करना नामुमकिन सा है कि वो होटल से उस कमरे से बाहर गया, क्योंकि उसके वापस लौटने का वीडियो होटल ने अब तक जारी नहीं किया है। तो क्या इतनी सब बातें महज इत्तेफाक हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं। और अब जो नया और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जो बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है, उससे तो संदीप सिंह पर शक की सुई और गहरा गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में संदीप सिंह को लेकर एक और बड़ी लीड मिली है। जी हाँ, 25 की रात उस क्लब में जहाँ आकांक्षा पार्टी के लिए गई थी तो वहाँ सिर्फ कपल एंट्री अलाउड थी। तो आपको जानकर बेहद हैरानी होगी दोस्तों कि उस रात उस क्लब में आकांक्षा और संदीप सिंह ने एज अ कपल एंट्री ली थी। जी हाँ, पुलिस को ये बहुत बड़ी लीड मिली है जो ये दिखाती है कि संदीप सिंह कहीं न कहीं आकांक्षा का करीबी था, आकांक्षा के बारे में सब कुछ जानता था, आकांक्षा की जिंदगी में क्या चल रहा था क्या नहीं वो सब कुछ जानता था, और आखिरी बार आकांक्षा को संदीप के साथ ही देखा गया था। इतना ही नहीं, समर सिंह ने भी संदीप को लेकर पुलिस को बहुत कुछ बताया है, जिससे पुलिस अब बहुत जल्द संदीप सिंह पर भी शिकंजा कसने जा रही है। किसी भी वक्त संदीप सिंह की भी गिरफ्तारी हो सकती है।